हेलो गाइस, ये मैं हूँ और इधर मेरा भैया जो थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। और हम लोग इतना दूर आ गए हैं मूसा के लिए खाना, बोले तो घास लाने। ये देख सकते हो, ये थोड़ा थोड़ा पानी भी है, बहुत ठंड लग रहा है। जो भी बोलते हैं, ये क्या कर रहे, आना पड़ता है भाई, नहीं तो भूखे मर जाएगा। ये देखो, अरे ठंडा, और इधर पानी भी है। देखो इधर देखो देखो, इतना दूर आना पड़ता क्या है। करे? कुछ रखे तो उसको भी देखभाल करना पड़ता है। दो चार दिन तो मैं अभी नहीं करता था क्योंकि इतना ज्यादा ठंड है, क्योंकि यहाँ पर पानी है, यह देख सकते हो। और मेरा फुल पैंट वहां पर पड़ा हुआ है, निकाल के फेंक दिया हूँ। एंड क्या करते हैं, मतलब अच्छा लगता है काम करने में, और ठंडा इसे है। और हम लोग की इधर वैसे तो फूड्स वगैरह मिलता नहीं है कि हम गिनी पिग्स को दे सकते हैं, तो घास और जो राइस, बस दो चीज है जो हम दे सकते हैं, तो उसके लिए भी इधर आना पड़ता है। दो चार दिन तो मैं वीडियो भी नहीं बना पा रहा था इधर। एंड आज भैया है मेरे साथ, मेरा छोटा भाई, तो बोला कि चलो एक वीडियो बना ले आज की। तो देख सकते हो कैसे घूसा और इतना भयंकर ठंडा लग रहा है ना। अभी 6 बजने वाला है, 5:30 हुआ है, 6 बज गया। इतना भयंकर ठंड लगेगा, बाहर आसपास कोई लोग भी नहीं दिखेंगे, सब घर के अंदर में। बहुत ही भयंकर ठंड है भाई, इतना ठंड में तू पानी के अंदर घुस गया है। रुक रुक, मैं काट लेता हूँ, उसके बाद बात करेंगे। हट हट जा। अच्छा ठीक है, तू काट ले। तो यार इधर काटे हैं। सो हो गया रेडी, ये उनके लिए घास यहाँ पर। एंड दो चार दिन से तो मैं वीडियो भी नहीं बना पा रहा था क्योंकि मैं अकेले आ रहा था घास लेने के लिए, क्योंकि इसका ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है। एंड यहाँ देख सकते हो इतना बहुत ही ज़्यादा पानी है, मतलब एक एक अंठू, मतलब घुटने तक हो सकता है, मतलब एक एक घुटना तक पानी है। एंड ठंडा भी बहुत है। एंड मुझे अंदर तक घुस घुस के जो घास दिख रहा है उसको पिकअप करके लेना है। तो इससे कुछ घास है नहीं जो हम ले सकते हैं क्योंकि सूख गया है। सो अंदर ही जाना पड़ता है, इसके अंदर में, जो भी के अंदर में। एंड पापा भी आते हैं कभी कभी, एंड मैं भी कभी कभी आ जाता हूँ। तो वैसे तो ब्लॉग बनाने का मन नहीं था, पर पता नहीं भैया कैसे स्टार्ट की हेलो हेलो बोल के, तो हम भी चलो ब्लॉगिंग स्टार्ट करने का तो मन ही नहीं था, पर स्टार्ट कर ही लिए हैं, तो चलो आज थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। अभी दो चार दिन से वीडियोस वगैरह तो बना ही नहीं रहे हैं क्योंकि प्रोजेक्ट वगैरह चल रहा है, हमारा अपकमिंग न्यू नागपुरी वीडियोस वगैरह जो आने वाला है उसके लिए सब काम चल रहा है, चालू है। एंड कल हम लोग गए थे शूटिंग के लिए दल के ब्रीज, और हमारा फेवरेट तो ही है। एंड और एक वीडियो आने वाला है मेरा एंड एक दीदी है उनके साथ मेरा वीडियो आएगा, पर थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि गाना भी अभी तक रेडी हुआ नहीं है। पर हम लोग लोकेशन वगैरह चेक कर रहे हैं एंड बहुत सारे ऐसे, मतलब क्या बोलूँ, मतलब अपॉर्चुनिटी मिल रहा है ये सब करने के लिए, सो आई एम हैप्पी फॉर दैट। सो ज़्यादा क्या मैं बोलूँ, बस हाँ ज्ञान नहीं रहे भाई, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत प्यार बरसाते रहिएगा क्योंकि इसी की वजह से हम लोग बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्या बोलूँ, ऐसे ही बहुत थोड़ा बहुत मतलब प्यार बरसाते रहिए, एंड ताकि हम लोग थोड़ा अलग कर सकें एंड और भी थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। तो आप लोगों का प्यार सपोर्ट ये सब बहुत ही ज़रूरी है। और इसको तो नहीं हुआ है तो ये कुछ भी बोलता है। अरे अच्छे से रहना। हाँ वो तो रहेंगे ना, सबको मालूम है वो सबके बारे में। एंड बस ऐसे ही आज बकबका रहे हैं टाइम पास। सो बहुत सारा धन्यवाद आप सबों को क्योंकि इतना सपोर्ट एंड प्यार देने के लिए, और मैं तो ज़्यादा ना बोलूँ वही ठीक रहेगा ना छोटे। इनको देखो कैसे सोए हैं, हाय हाय। अरे इसका प्लेट भी खाली है भाई, तो नाराज है क्या भाई, नाराज है क्या, खाना ला दिया हूँ। ये देखो ये कैसे खा, रुको एक मिनट, ठीक है मैं दे रहा हूँ, बैग में है ये पापा, ये कैसे हो रहा है देखो, ये बेबी देने वाला है, बेबी फेस। ये रहा ये उफ उफ, ओ भाई ये रहा आप लोग का खाना, ये छोटा सा, ठीक है। और बाकी लोग कहाँ गए, और दो आ जाओ खाना आ गया,
और एक है, और एक, और एक पीछे से, पीछे से, पीछे से, पीछे से, ये लो और थोड़ा सा। ये मम्मी वाला ही, ये मम्मी है, वो पापा है, यानी ये बेबी, और एक पीछे बेबी है, वो आएगा। खाडूर खाडूर कर भात पिया गेला, हसी लागत है आज के दिन सब पिला था भीतर जन्म।